प्रिय विद्यार्थियों, RCHF बालसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में अध्ययन करने जा रहे हैं अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। हमने इससे पहले की दो वीडियो में अध्ययन किया था आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में, फिर हमने अध्ययन किया था यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। अब अध्ययन करेंगे अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अपन समझ गए कि प्रत्यास्थता गुणांक भाई क्या होता है। प्रतिबल और जो विकृति है, जो उसका अनुपात है, हम उसे कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। अब यहाँ पे आ गया अपरूपण। देखो अपरूपण जो प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अपन इसको इतने से लिख सकते हैं, प्रत्यास्थता सीमा, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर अपरूपण अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति है, इस विकृति के अनुपात को अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन कह सकते हैं कि भाई प्रत्यास्थ सीमा के अंदर अपरूपण जो प्रतिबल है और जो अपरूपण जो विकृति है, जो इसका अनुपात है, उसे ही कहा जाता है अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। अब ये जो गुणांक है अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्थता जो गुणांक है, इसको हम ईटा, ध्यान दे भाई, इसको ईटा, यानी इसको इस तरह से इसको दर्शाया जाता है, ईटा से इसको दर्शाते हैं, ठीक है भाई। तो ये होता है अपरूपण अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, ईटा बराबर होता है अपरूपण प्रतिबल प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। तो ये इनका अनुपात जो होता है वही कहलाता है अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। अपरूपण प्रतिबल और जो विकृति का जो अनुपात है उसे ही हम कहते हैं अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं इसको, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे जो प्रतिबल है, ये जो प्रतिबल है अपरूपण जो प्रतिबल है, इसका मान होता है, यानी अपरूपण जो प्रतिबल है इसका फॉर्मूला होता है वही सबके लिए सेम रहेगा एफ कॉन ए। और विकृति जो होती है, चूंकि अपरूपण जो विकृति है भाई, इस विकृति को थीटा से दर्शाते हैं, इसका ये होती है डेल्टा एक्स अपॉन एम। तो हम इनका अनुपात यहाँ पे दोनों रख सकते हैं सूत्र के अंदर। तो ये आ जाएगा अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक ईटा बराबर एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन एम। तो देखिए संकेत चार होगी ऊपर नीचे, तो हम इसको इससे गुणा कर देंगे और हम इसको इससे गुणा कर देंगे। यह आ जाएगा ईटा बराबर भाई एफ इंटू एल और ए इंटू डेल्टा जो है एल। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में आए अपरूपण जो प्रत्यास्थता जो गुणांक है इसका मान प्राप्त हो जाता है एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे डेल्टा एक्स ए इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है भाई।
डेल्टा एक्स कौन है, ये होती है अपरूपण विकृति जो है, तो जिनका अनुपात है वही कहलाता है अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। वही इसका जो मात्र होता है, इसका वही मात्र सेम है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसकी बीमा है वो बीमा होती है एम वन एल माइनस टी माइनस टू, तो सेम बीमा और सेम इसके मात्र होते हैं। ये हमारा था अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, और हम अब नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।